सब बोलिए गुरु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एकादशी का एक बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं। आज के उपाय की बात करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर गुरुजी द्वारा बताए गए किसी भी उपाय से आपको लाभ हुआ है तो आप कमेंट में पूरी डिटेल के साथ जरूर बताइए। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय एकादशी का उपाय है। वैसे तो आप यह उपाय किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, पर अगर आप वैशाख महीने की एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो उपाय का फल आपको बहुत जल्द मिलता है, क्योंकि पूरे साल में वैशाख का महीना सबसे बड़ा महीना होता है। अगर आप वैशाख के महीने में यह उपाय करेंगे तो महादेव आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अगर आपका कोई काम उलझा हुआ है या आपके घर का कोई सदस्य गलत आदतों का शिकार हो गया और गलत जगह पर पैसा लगा रहा है, या घर में बरकत नहीं है, कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है, पैसा आपके हाथ में नहीं टिकता, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है पर पैसा गलत जगह पर लग रहा है, तो आपको ये एकादशी का उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कलश में गंगा जल भरना है। कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, जो भी आपके घर में कलश हो वह कलश आप ले सकते हैं। अगर तांबे का कलश लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। और अगर आपके पास गंगा जल इतनी मात्रा में नहीं है कि आप कलश को पूरा भर सकें, तो आप कलश को जल से भरेंगे और उसमें थोड़ी सी मात्रा गंगा जल की डाल लेंगे, पर आपको गंगा जल की मात्रा कलश में जरूर डालनी। कलश में गंगा जल भरने के बाद आपको उसी कलश में 7 बेलपत्री के पत्ते डालने हैं। बेलपत्री का पत्ता भी आपको संपूर्ण लेना है, कहीं से कटा फटा हुआ बेलपत्री का पत्ता आपको नहीं लेना। गंगा के जल में 7 बेलपत्री के पत्ते डालकर आपको इस कलश को लेकर शिव मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज विराजमान होते हैं, वहीं नंदी महाराज को गंगा जल समर्पित करना है। गंगा जल नंदी महाराज को समर्पित करने के बाद जो 7 बेलपत्री के पत्ते आपके पास बचेंगे, वह 7 बेलपत्री के पत्ते आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। घर से चलने से लेकर बेलपत्री के पत्ते समर्पित करते समय तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते रहना है, और साथ में आपकी जो भी समस्या है उसे भी ध्यान में रखना है। यह उपाय आपको एकादशी के दिन ही करना है। अगर आपके घर का कोई सदस्य गलत आदतों का शिकार हो गया है तो वो भी इस उपाय के करने से, उसके नाम से अगर आप ये उपाय करेंगे तो वह भी सही रास्ते पर आ जाएगा। आपके घर में अच्छी बरकत होने लगेगी, पैसा गलत जगह नहीं लगेगा, और अगर आप किसी से पैसा मांग भी रहे तो वो भी आपका पैसा वापस लौटा देगा। यह छोटा सा उपाय करने से आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा और महादेव आपकी सभी समस्याओं का हल करेंगे। अंत में आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।